अच्छा ई बताओ, फेरे साथी काहे लिए जाते हैं? 6 या 8 काहे नहीं? धत पगली, हम क्या जाने। भाभी, अब कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। अरे जल्दी चलो, सवेरा होने वाला है। ये खेत में कौन सा रसम होने वाला है? जल्दी जल्दी बैठ जाओ, पहले से ही बहुत देर हो गई है। आप लोगन का इस तरह खुला में बैठे में शर्म नहीं आती है का? जब पेट में तूफान उठा हो तो फिर या तो शर्म कर लो और या फिर तूफान के आगे सर झुकाकर बैठ जाओ। अरे सुनो तो, तुम अकेली बाहर नहीं जाओगी, पूरे गांव की मोहल्ले की औरतें बाहर जाती हैं। वो गूंगी होंगी, हम गूंगी नहीं है, उनको लाज शर्म नहीं आती है, वो मजबूर है, हम मजबूर नहीं है। तो जाके अपने बाप को बोल दो कि तुम्हारे लिए शौचालय बनवा दे, हमारे पास इतने रुपए नहीं है। ये सब का है? इसको गिरवी रख दो। का पागलपन है ये? हाँ, ये गहना नई दुल्हन की इज्जत होती है, घर की इज्जत होती है। गहने तो घर की इज्जत है और औरत की इज्जत का क्या? गहने पहनकर सड़क पे खुले में शौच करती हुई औरत की क्या इज्जत रह जाती है? औरत का सबसे बड़ा गहना होता है उसकी इज्जत, उसकी लाज और उसकी शर्म। मुझे शौचालय चाहिए। मदन भैया, स्वच्छ भारत मिशन की ओर से सरकार की तरफ से आपको 12,000 रुपए भी मिलेंगे। 12,000? भैया अगर सच कहो तो इसकी असली हकदार हमारी पत्नी माननी है, इन्होंने शौचालय का निर्माण करा के हमारी आंखें खोल दी है सच्ची में, वरना हम मुड़ वक्त तो अभी तक यही सोचते थे कि गहना ही घर की इज्जत होती है। तो चलिए साथ में एक फोटो भी हो जाए। हाँ हाँ जरूर आइए।